अप्रैल है और पहली अप्रैल यानी नया वित्त वर्ष और ऐसे में कई सारे फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आपके बहुत सारे बदलाव भी आने वाले हैं पूजा तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज से खासतौर से देखा जाए तो इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव भी होने जा रहे हैं तो पूजा डिटेल्स तो आप मुझे दे देंगी दर्शकों को भी दे देंगी लेकिन मुझे बताइए आज तो अप्रैल फूल का भी डे है किसी ने हमको बनाया सुबह से अप्रैल फूल क्या नहीं और कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल फूल जो हम स्कूल कॉलेज में जितना एक्साइटेड होते थे इसको लेकर अब वो एक्साइटमेंट रह नहीं गई है तो पहले तो बकायदा प्लानिंग करते थे लेकिन ऐसा कुछ अब अब कुछ इस तरह के इनकम टैक्स के बदलाव आने शुरू हो जाएंगे नए वित्त वर्ष में तो कहा एक्साइटमेंट रहेगी पूजा <laughs> ये भी एक बात है बहरहाल बताइए क्या क्या बदलाव है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल

पोर्टल में जाकर इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर ये चीज देख सकते हैं रिटर्न फाइल करते समय हो सकता है कि अभी भी ये ऑप्शंस आपके एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज आग, आगे, आगे आपको दे रहे हो लेकिन ये आज की डेडलाइन थी तो इसका आप ध्यान रखिए टैक्स लैब की जानकारी भी आपको दे देते हैं वो इस प्रकार होगा ये आपके स्क्रीन पर चल रहा है 3 से 6 लाख तक आप 5 का 5% का टैक्स लगेगा 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स लगेगा नौ लाख से बारह लाख तक की आय है उस पर पंद्रह परसेंट टैक्स बारह लाख ,00 ,00 से पंद्रह लाख तक के आय वालों पर बीस परसेंट और पंद्रह लाख और उससे अधिक है अगर आय आपकी तो तीस परसेंट टैक्स लगेगा अब बातें हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन पर तो आ, अभी तक जी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा था पचास हजार का वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिज्यूम वालों को ही मिल रहा था लेकिन अब एक अप्रैल से जैसे वित्त मंत्री ने घोषणा की थी बजट में अब जो उसका फायदा है वो न्यू टैक्स रेजिम वालों को भी मिलेगा और अधिक है उनके लिए सरचार्ज का अनाउंसमेंट भी इसको रखना जरूरी है क्योंकि सरचार्ज की जो उच्चतम स्तर थी सैतीस परसेंट की थर्टी सेवन परसेंट की कमी आ गई है और थर्टी सेवन परसेंट से घटाकर अब वो पच्चीस कर दिया है बीमा पे क्या आप कुछ बदलाव होंगे अगर जीव, जीवन बीमा पॉलिसी आप ले रहे हैं और उसकी मेच्योरिटी बाद आती है और कुल प्रीमियम पांच लाख से अधिक का है तो अब वो टैक्सेबल होगा तो इसका भी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए और उस पर जो टैक्स बन रहा है उसका आप ध्यान दीजिए आखिर में लीव एन कैशमेंट पर छूट बढ़ी है तो अब जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो अगर वो कम छुट्टी ले रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है उनको लीव इन टैक्स छूट सीमा अब बढ़ चुकी है तीन लाख रुपए थी पहले लेकिन अब वो बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए कर दिया यानी कि जो कम छुट्टी लेते

निवेश की तैयारी कर लेनी चाहिए कैसे टैक्स बचत निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए यह तमाम मामलों पर भी बात होगी शाम को चार बजे आज तो